13 करोड़ जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लाभांशी हैं, मतलब बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वो ये खबर है कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 2014 में ये फैसला लिया था कि एक लाभांशी, एक बेनिफिशियरी के ऊपर उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में खर्च नहीं होगा, वो जो आदेश है वो खत्म हो गया है। अब लाभांशी के इलाज में कितना भी खर्च हो वो ईएसआई को उठाना पड़ेगा। और ये बात निकल कर आई है अभी रिसेंटली, दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 बच्चों के केसेस के अंदर ये फैसला सुनाया है। और उन वो बच्चों का ये था कि वो जो था रेयर डिजीज जिसमें गौचर होती है उससे वो लोग उस सफर कर रहे थे, तो और उसके अंदर क्या होता है कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया एक जो है बच्चे के ऊपर और लाइफ लॉन्ग उसके इलाज के लिए जो है एंजाइम थेरेपी में खर्च होता है, जो मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी आदमी जो है वो ये खर्चा उठा सकता है। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से ये संभव हो गया है कि उन बच्चों को जो है लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो उनका खर्चा उठाएगा। तो अब ये देखने को मिलेगा कि जो सुपर स्पेशलिटी का इलाज है जिसके अंदर अभी तक जो बेनिफिशरीज थे ईएसआई के, उनको कहीं दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था जिसका खर्चा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नहीं उठाता था, वो अपना जो है 10 लाख वाला स्लैब लगा देता था। क्योंकि ये बहुत सारे जो कैंसर है या आपका लिवर ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है, इस तरीके के जो बहुत सारे बीमारियां हैं उनके लिए लाखों में खर्चा चला जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में है, आज की तारीख में 21,000 जिसकी तनख्वाह है, वही इसके अंदर ईएसआई हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार का 21,000 के करीब या उससे नीचे की आमदनी है, तो वो कैसे इतना बड़ा लाखों का खर्चा उठा सकता है। लेकिन अब संभव हो गया है कि वो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो उसका खर्चा करेगा, चाहे वो एम्प्लॉयज जो है वो उसको रेफर करे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे एम्स है, या ईएसआई कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड है उनके अंदर उसको रेफर करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने मजदूर वर्ग के साथियों के साथ कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कवर्ड है और आज उसकी संख्या 13 करोड़ से भी ज्यादा है, प्लीज कृपा करके आप इसका बेनिफिट उठाइए। आपके घर में कोई भी अगर बीमार है उसका पूरा खर्चा जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, और अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आनाकानी करता है खर्चा देने के अंदर, तो प्लीज आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी कोर्ट के अंदर जो है आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है मूव कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो है शर्तिया ईएसआई के खिलाफ लड़ाई के अंदर जो है आपको जीत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।